This is a lecture number 3 of maths. We are doing the unit number 5, distance, time and temperature, and topic is distance. Now today we are doing exercise 3, convert the following. We are converting the centimeters to millimeters. यानी हम सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. आप सबको पता है कि 10 मिलीमीटर्स मिलकर बनाते हैं 1 सेंटीमीटर. यानी जब हम सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और अगर हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे. सबसे फर्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट ए, 41 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मिलीमीटर में. तो 41 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सो 41 मल्टीप्लाइड बाई 10. जब हम 10, 100 और 1000 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जस्ट ज़ीरो जो है वो ऐड होता है. तो 41 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 410 मिलीमीटर जो है वो हो जाएगा. इसी तरह पार्ट बी है, 77 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मिलीमीटर में. तो 71 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सो 77 सेंटीमीटर, 77 मल्टीप्लाइड बाई 10, 770 मिलीमीटर्स. सी और डी इसी तरह से होगा, जो सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. ई पार्ट जो है वो आएगा मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, यानी यहाँ पर 10 की डिवीजन होगी 364 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर्स. सो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 364 मिलीमीटर, 364 डिवाइडेड बाय 10. हम लॉन्ग डिवीजन में इसको जो है वो डिवाइड करेंगे. 10 थ्री इज़ 30, 6 10 सिक्स 60, 4 डेसिमल पॉइंट लगाएंगे 0, एंड 10 फोर ज़ा 40. सो हमारा 364 जो है डिवाइड करने के बाद 36.4 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है. इसी तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज 4 करेंगे.